सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग एडमिशन 2022-2023 के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में जो है जो क्वेश्चन आप अधिकतर स्टूडेंट कमेंट में पूछते हो उसका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बेसिक ये है कि सर अगर मैं डिप्लोमा पास आउट हूँ तो क्या मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग क्या मैं इन दोनों में अप्लाई कर सकता हूँ एट अ टाइम, या सिर्फ मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता हूँ या सिर्फ मैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता हूँ, और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा आइडियल ऑप्शन होगा। तो गाइस इस वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, तो वीडियो पूरा एंड तक देखो सो देट आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सको। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चन वन पे आते हैं, क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में। तो ऑफ कोर्स आप जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप एडमिशन कोई एक जगह ही ले सकते हो, या तो आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में ले सकते हो या तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में ले सकते हो, आप दोनों तरफ जो है साइमल्टेनियसली एडमिशन नहीं ले सकते। तो यहाँ पर अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आती है कि जो शेड्यूल होता है फर्स्ट इंजीनियरिंग का जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो पहले स्टार्ट हो जाता है, और जो डायरेक्ट सेकेंड इंजीनियरिंग का एडमिशन प्रोसेस होता है वो बाद में स्टार्ट होता है। जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो कि फर्स्ट ईयर का जो है रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन स्टार्ट हो चुका है और वहीं अभी तक डी ए सी का शेड्यूल डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई अगर हमें अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो क्या हम फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको जो है जो बेनिफिट जो आपको डिप्लोमा का होता है वो यही है कि आप जो है इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हो, तो वापस आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना होगा, तो आपका वहाँ पे जो एक साल है वो जो है ओवरऑल जो है डिले हो जाता है। लेकिन कई स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं अगर उनको अच्छा कॉलेज मिल रहा होता है, जैसे COEP है, PICT है, इसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो किसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है अगर आपने ट्वेल्थ नहीं किया हुआ है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हो रजिस्ट्रेशन, तो आपको वहाँ पे जो ऑप्शन चूज़ करना होता है वो आपको चूज़ करना होता है डिप्लोमा। आप डिप्लोमा के बेसिस पे जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे होते हो, तो आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए कॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट कॉलेज में ही आपको एडमिशन चाहिए, तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको वन ईयर जो आपका एक्स्ट्रा जा रहा है अगर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, नहीं तो मेजॉरिटी ऑफ जो अधिकतर बच्चे होते हैं 95% प्लस जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए ही जाते हैं। और एक थिंग मैं आपको बता दूं, अगर अभी आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का फॉर्म फिल करते हो और फिर आप ये भी सोचो कि मैं सेकेंड ईयर का भी फिल कर दूंगा DAC का, तो आप ऐसे कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो शेड्यूल हैं, जो डेट्स हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन और प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का, तो जब DAC का शेड्यूल आएगा तो वो डिले हो जाएगा, वो मैच नहीं करेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी आप पहले क्लियर हो जाओ कि आपको DAC में एडमिशन लेना है या फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है। सो ओवरऑल अगर आपके ऐसे बहुत सारे और डाउट्स हैं, बहुत सारे अगर आपके ऐसे क्वेरीज हैं क्या मेरे लिए बेस्ट है, कौन सी ब्रांच मेरे लिए बेस्ट है, तो आप हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हो। वहाँ पर मैं आपके सारे जो डाउट्स हैं 1-to-1 जो है क्लियर कर दूंगा, और आपको जो है एक क्लियर वे बताऊंगा कि आपको आगे जाके करियर कैसे बनाना है, आपके लिए कौन से स्ट्रीम बेस्ट है और उसका क्या स्कोप है। ऐसे ही हम आपको कॉलेज लिस्ट भी दे रहे होंगे, तो कॉलेज लिस्ट के अंदर जो है आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हम सजेस्ट करेंगे जो आपके एग्रीगेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कास्ट कैटेगरी के अकॉर्डिंग सबसे आइडियल होगा और जहाँ पर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप अभी जाकर आपकी सीट बुक कर सकते हो। तो गाइस ओवरऑल आपकी जो डाउट है कि FE और DAC में हम एडमिशन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, तो ऑफकोर्स आप FE में भी एडमिशन ले सकते हो और DAC के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन शेड्यूल जो है मैच नहीं करता है। तो आपको जो है यहाँ पे क्लियर रहना होगा कि आप FE में जाओगे DAC में जाओगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप FE में भी एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे जो सिर्फ डिफरेंस आएगा वो है आपको 1 ईयर एक्स्ट्रा देना होगा, लेकिन वहाँ पर आपको एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे जो इनटेक होता है सीट जो होती है वो ज़्यादा होती है, वहीं जो DAC होता है वहाँ पे सिर्फ 10% सीट जो है रिजर्व होती हैं, तो वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा चांसेस होंगे एडमिशन मिलने के कंपेयर टू DAC एक बेटर कॉलेज में। सो गाइस ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो डाउट्स है सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।